हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी चस्का। आज हम बनाएंगे मानसून में मिलने वाला एक बहुत ज़्यादा हेल्दी फ्रूट्स जो कि ब्लैकबेरी जामुन है, जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर है। तो आइए आज हम इससे दो रेसिपीज़ बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और जिसको कि आप एक साल तक स्टोर करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखी यहाँ पर ये लगभग 1 kg हमने यहाँ पर ये ब्लैकबेरी जामुन लिया हुआ है, जिसको कि हमने अच्छे से 2-3 बार वॉश करके इसको हल्का सा सुखा लिया, इसका पानी इसका हटा दिया है। तो आइए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जामुन को इसमें थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे। ये देखिए, और हम इसे मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इसको हाथों से खूब अच्छे से वॉश करके हाथों से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप हाथों से भी खूब अच्छे से हाथों को वॉश कर लें, फिर आप इसको इस तरह से खूब अच्छा पका हुआ काला जामुन लें। ये देखिए, इस तरह से आप सभी जामुन को अच्छे से मैश कर लें। ये देखिए, मैशर से अच्छा हाथ से बहुत अच्छे से ये इसका पल्प गूदा अच्छे से हाथों को वॉश करके इस तरह से इसको निकाल लें। इसकी जो ये देखिए जो गुठली होती है, इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। ये देखिए, इनको भी अलग से इस तरह से निकाल लें, सबको अलग कर लेंगे हम। देखिए, हमने इसका इस तरह से ये पल्प अलग कर लिया है और इसकी गुठलियाँ अलग कर लिए। इससे भी हम एक चूरन बढ़िया सा तैयार करेंगे और साथ ही हम इससे सिरका बनाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने सभी जामुन का पल्प अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और देखिए, ये हमने इसका पल्प हमने इसका अलग कर लिया है और गुठलियाँ इसकी अलग कर ली हैं। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी इसको छान कर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसके बेटर रिजल्ट के लिए हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड और करेंगे ताकि अच्छे से हमारा पूरा जूस इसका निकल जाए। देखिए, हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। देखिए, इसका जूस निकलने लग गया है। अब हम इसको अच्छे से एक छलनी की मदद से अच्छे से इसको छान लेंगे। आप इसको कपड़े से भी छान सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसका सारा जूस, देखिए इसका सभी जूस हम निकाल लेंगे। बाद में आप इसके पल्प का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इससे बहुत ही अच्छा, देखिए बिल्कुल थिक, कितना प्यारा इसका कलर आया है। आप डायरेक्ट इसको गूदे को छान कर निकालेंगे तो ना इतना अच्छा कलर आएगा, ना इतना ये थिक होगा। बहुत ज़्यादा उसमें पल्प रह जाता है, पल्प में बहुत ज़्यादा उसका जूस रह जाता है। इस तरह से आप थोड़ा सा ग्राइंड करके अलग तरीके से ऐसे आप निकालेंगे तो सारा इसका जूस निकल आएगा। देखिए, इस तरह से हमने दबा दबा कर छान के हमने इसका पूरा जूस इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए, ये हमने सभी को दबा कर इस तरह से निकाल लिया है और इस तरह से ये इसका पल्प अलग कर लिया है। अब इस पल्प को भी आप एक बार चाहें तो कपड़े से छान लें तो और भी ज़्यादा इसका जूस निकल आएगा। देखिए, जो हमारा ये पल्प था निकला हुआ, इस तरह से जूस का निकला हुआ जो पल्प था, इसको भी हम किसी कपड़े की मदद से इसमें से भी हम जूस निकाल लेंगे। देखिए, इससे भी बहुत सारा अभी जूस निकल रहा है। ये देखिए, अभी और इसमें से जूस निकला है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से बोतल में छान कर भर लिया है। ये लगभग हमारा 1 kg जामुन में ही हमारा 1/2 kg बहुत अच्छा थिक इस तरह का, देखिए कलर, डार्क कलर। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा जामुन का आपका सिरका बनेगा। बहुत से लोग इसमें कुछ स्पाइसेस मसाले ऐड करते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। आप चाहें तो इसमें काला नमक या काली मिर्च
आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज और कुछ भी इसमें ऐड ना करें। आप इसको इस तरह से अगर आप धूप में रखते हैं इसको, तो ये 15-20 दिन में ही फर्मेंटेट हो जाता है। बहुत ही अच्छा इसमें खटास आ जाती है, फर्मेंटेशन आ जाता है। और अगर इस टाइम पर जैसे बारिश का मौसम है, धूप नहीं है, तो आप घर घर में रख कर भी 2-3 महीने में ये बहुत, और जितना ही जितना पुराना होता जाएगा उतना ही ये बहुत ही अच्छा सिरका बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा। और देखिए इस तरह से इसमें ये भी बहुत कम निकलता है पल्प। वैसे आप डायरेक्ट निकालेंगे, छानेंगे इसको गूते को, तो बहुत ज़्यादा पल्प निकलता है, इतना ज़्यादा जूस नहीं निकलेगा, और वो बहुत अच्छा कलर भी नहीं आएगा, ना बहुत ज़्यादा थिक होगा। और इस तरह से देखिए इसका जो बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में इसका ये अंदर का पल्प निकल आता है, इसको आप चटनी इसकी बना सकते हैं। बहुत अच्छी चटनी बनती है इसकी। आप इसमें लहसुन लाल मिर्च डालकर इसकी बहुत अच्छी इसकी चटनी बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वो भी हेल्दी होगी। साथ ही ये जो गुठली है, इसको आप इसी तरह से इसको धोएं ना, इसी तरह से सुखा कर अच्छे से अगर पंखे में या धूप में किसी भी तरह से अच्छी तरह से सुखा कर ग्राइंड करके इसमें आप काला नमक, काली मिर्च, मेथी दाना थोड़ा सा उसका पाउडर, और थोड़े से करी पत्ता ड्राई उसको सुखाकर उसका पाउडर, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा अजवाइन, और थोड़ी सी इसमें चाट मसाला अगर आप चाहें टेस्ट के लिए तो मिला लें, अदरवाइज थोड़ा सा अमचूर पाउडर या आपके पास लेमन का पाउडर हो वो थोड़ा सा इसमें ऐड करके बनाएं। ये देखिए इस तरह से हमने बना कर रखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, पेट के लिए, कब्ज के लिए, जिसको पथरी है उसके लिए, और शुगर पेशेंट्स के लिए। तो ये एक्सीलेंट है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद इस तरह से इसका चूर्ण बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारा लास्ट ईयर का पुरानी पिछली साल का चूर्ण बनकर रखा हुआ था, इस गुठलियों से ही हमने ये बनाया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी आपके पूरी साल के लिए चूर्ण बनकर तैयार हो जाता है। ये हमने सिरका बनाया था, ये हमारा बहुत ज़्यादा पुराना अभी सिरका नहीं है, तो इसका अभी कलर ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो गया, बिल्कुल खट्टा हो जाता है फर्मेंटेट होकर, बहुत ही अच्छा इसका सिरका बनकर तैयार होता है और ये चूर्ण बना हुआ है। तो अगर आपको आज हमारी रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो ज़रूर आप बनाएं, ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, जिसको कि हमने तीन तरह से तीन इसकी रेसिपीज दिखाई हैं। वैसे इससे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन अभी हमने इसको तीन ही इसकी यूज़ बताएं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, इसके बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।